बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौजूद आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज भी हम आपको दो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कल भी परसों से हमने ब्रेकिंग न्यूज़ देना शुरू की है, और पहले ये दी थी कि हमने कि चीन ने अपनी एटमी आप दोस्त को लॉन्च कर दिया है, और कल ये दी थी तालिबान और अफगानिस्तान के दरमियान में एक वायदा हुआ है जिसको अब तालिबान रिंग प्रोटेक्शन का एग्रीमेंट का कहा नाम दिया था। आज हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका में के एटमी वो अमेरिका में एटमी पॉलिसी को के तब्दीली का इशारा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हॉकिश पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, अकड़बाज ये जंगजुआना पॉलिसी इख्तियार करेंगे, जैसा कि हम सर जंग के ज़माने में कहते थे। इस सिलसिले में कोई अप्रैल के आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में और आखिरी तारीखों में एक इजलास हुआ है। अमेरिकियों का ये ख्याल है कि उनकी एटमी पॉलिसी बहुत बुरी तरह से वक्त के मुनासबत से नहीं है, और माजी की पॉलिसी की तरह उसको होना चाहिए, और इसके हथियार बहुत पुराने हो चुके हैं, उन सब हथियारों को बदल देना चाहिए। इस सोच बाजार के लिए सेनेट की स्ट्रेटजिक फोर्सेस आर्म्ड सर्विस कमेटी का इजलास अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुनक़िद हुआ, जिसमें बहुत गहराई से इस बात का मताला किया गया कि इस पर मताला किया गया, और इस पर तकरीबन 90 मिनट तक बात हुई, और जिसमें यह तय पाया गया कि अमेरिका के तमाम हथियार बदल दिए, तमाम स्ट्रेटजिक हथियार या एटमी हथियार बदल दिए जाएँ, और अमेरिका की सर जंग की वही पॉलिसी जिसने अमेरिका को आलमी जंग के दाने पर कई दफ़ा पहुँचाया वो उसको इख्तियार कर ली जाए। इस कमेटी में तकरीबन सब के सब सियाफ आम लोग थे। इस कमेटी का इजलास की सदारत सेंटर एंगुश किंग ने की, लेकिन इसके पुष्ट पर स्टाफ डायरेक्टर जोनाथन एस्पिन टेन थे, जो इस मामले में कमेटी के रहनवाई कर रहे थे। उन्होंने कमेटी ने अपनी शहादतों को पेश करने का हुक्म दिया कि अब अमेरिका क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, खसूसन इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM में, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में जो है वो नया प्रोग्राम तशकील देने का उन्होंने हुक्म दिया, और अपने पसंद के ठेकेदार पर चुनने पर तवज्जो दी। इसमें जो इस पैनल में जो लीड कर रहे थे वो फ्रैंक मिलर थे, जो जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में न्यूक्लियर पॉलिसी के पोस्टर को तरतीब दिया था, और वो CSIS का एक अदारा उसमें काम करते हैं, और वो एक किस्म का एटमी इन कंसल्टेंट हैं, और एटमी कंट्रेट का इंतखाब करने का मशवरा देता है ये अदारा। तो इसके पैनल में ब्राड ऑबरेट भी थे, जो वो भी न्यूक्लियर हथियारों के ठेकेदार हैं, जिस कमेटी में वो काम करते हैं, जिस कंपनी में वो काम करते हैं, वो लॉरेंस लीवरमोर नेशनल लेबॉरटरी है। इस इजलास में ये तय पाया गया कि अमेरिका को एक हाकिश पॉलिसी का और जंगजुआना पॉलिसी को इख्तियार करना है। अब इससे अंदाज़ा ये होता है कि अमेरिका को ये अंदाज़ा हो गया है कि उसका जो तमाम हथियार हैं वो नाकिस हैं या वक्त के मुताबिक नहीं हैं, और ये सफ़ेद फार्म पॉलिसी है जो कि वो तालिबान के मुताबिक जो वो सर जंग के ज़माने की पॉलिसी को इख्तियार करने जा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो इस वक्त दुनिया को एक दफ़ा फिर जंग के दायने पर ले जाएंगे और हालात को ख़राब करेंगे। अब जिस अंदाज से ये 90 मिनट में गुफ्तगू हुई है, अमेरिका में जो बात आप कहते हैं करप्शन बहुत ज़्यादा है, और उनके यहाँ पर ये कंट्रैक्ट सिस्टम है, उनके यहाँ पर पहले पार्सन एक होती थी और फिर ये दूसरी कंपनी होती थी जो ये लोग इनको मशवरा देती थी कि भाई आपको क्या क्या करना काम करने हैं। तो अब सवाल आप इसमें जो कंपनी जो में जो नाम आए हैं उसमें एक तो कंपनी का नाम CSIS कंपनी का नाम है, जो कि कंसल्टेंट है कंपनी है, वो मशवरा देगी कि आप कौन कौन से कंट्रैक्टर लें। तो उससे ये होता है कि वो जो सिलेक्शन करती है या जो उनको मशवरा देती है या जो उनकी को रहनुमाई देती है या उनकी कंसल्टेंट होती है, जो मीनिंग देर बाई जो मशीर होती है, वो कंट्रैक्टर का इंतखाब करती है। उसमें उसको बहुत पैसे मिलते हैं उन लोगों को, और वो जो कंपनियां जो माल बनाती हैं वो फिर अमेरिका से, आप अगर फर्ज के लिए 100 रुपये की चीज़ है तो वो उसको 1000 रुपये में बेचेंगे अमेरिका को। तो इस पैनल में ब्रॉड ऑबरेट भी थे, जो भी न्यूक्लियर हथियारों के ठेकेदार हैं, और जो मैंने बताया कि लॉरेंस लीवरमोर नेशनल लेबॉरटरी में वो काम करते हैं, और इसमें ये तय है कि हॉकिश पॉलिसी इस्तेमाल की जाएंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका अपने बजट का बहुत हिस्सा अब इस वक्त अमेरिका के दिफा पर खर्च करेगा,
और अपने दिफाई बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और अमेरिका अरे रूस और चीन के लेवल पर अब भी उनका दिफाई बजट अमेरिका और रूस के दिफाई बजट से ज़्यादा है। लेकिन ये समझ लें कि आप अब इससे अंदाज़ा होता है कि वो इसको डबल करने जा रहे हैं जो इस वक्त उनका दिफाई बजट है, कि उनके पास तो कागज़ के नोट हैं, वो जो डॉलर को छापते हैं और छाप कर अपने पैसे बनाते हैं, उनको कुछ सोना तो रखना नहीं पड़ता उसके बदले में। तो दुनिया इस वक्त जो है अमरीकी अफवाज को ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि अमरीकी अफवाज को जो है वो जदीद हथियारों से लैस करने जा रहे हैं। तो ये एक पहली बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं और ये एक बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी अखबार में नहीं छपी, किसी न्यूज़ में नहीं आई, किसी न्यूज़ प्रोग्राम में नहीं आई, ये हम आपको दे रहे हैं। तो इसके अलावा जो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये एक बड़ा मुसीबत का वक्त है कि अमेरिका ने जो पॉलिसी अख्तियार की है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि सर्द जंग का कि आगाज़ शुरू हो चुका है, कोल्ड वार जो डॉक्ट्रिन था उनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ज़माने में, या जब रशिया के और अमेरिका के दरमियान में जब 1945 के बाद में जब रशिया ने अपनी एक पॉलिसी वज़ा करनी शुरू की थी, तो वो ज़माने में उन्होंने जो अपने पोस्टर बनाया था उस पोस्टर को दोबारा बनाने जा रहे हैं, और उस पोस्टर के जो डायरेक्टर थे वो इसमें इस वक्त इनकी मदद कर रहे हैं, जो कि जॉर्ज बुश के ज़माने में थे और अब डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में जो उन्होंने पोस्टर बनकर, मतलब ये है कि जो उन्होंने अपना अंदाज बताया था अकड़ का अंदाज के साहब ये हम इस तरह से हम आपके दुनिया के साथ में निपटेंगे, तो ये पोस्टर उसको कहते हैं कि जो अपना एक वो जो स्टाइल बनाते हैं जो गुस्से का या उसका जो पोजीशन बनाते हैं अपनी, वो पोजीशन वो बनाने जा रहे हैं। तो अब अमेरिका के तमाम मैटरियल हथियार जैसा हमने कहा बदल दिए जाएंगे, वो समझते हैं ये पुराने हो गए हैं वक्त के लिहाज से, ये वक्त वो इनको अब छोटे छोटे हथियार बनने लग गए हैं, इनके ज़माने के मोटे मोटे हथियार हैं इनके, अब एक एटमी हथियार जो फ्यूज़न के साथ बनाया जाए वो हिरोशिमा नागासामी से 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा तबाही ला सकता है, जो कि एक बॉल के बराबर में होगा या एक सेब के बराबर में होगा। तो अब अमेरिका के पास तो बड़े बड़े मेरे एटमी हथियार हैं, तो अब वो समझते हैं कि ये मामला मुश्किल है, तो अब वो अपने बनाने जा रहे हैं और अपने आप को दुनिया को डराना चाहते हैं कि हम अब भी आपके मुकाबले में आ रहे हैं और हमें इतने भी गए गुजरे नहीं है कि आप हमें चाइना और रशिया हमें चैलेंज कर सके। लेकिन हमारा एक बात ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपको ये नई बात तो नहीं है, क्योंकि हम बार बार इसको दोहराते रहे हैं, और वो ये है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जो नेमतुल्ला शाह वली, उन्होंने ये कहा था कि रे नामी मुल्क एक अलीफ नामी मुल्क को तबाह कर देगा, तो ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि हम समझते हैं ये हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका एक अच्छा मुल्क है और हम उसको पसंद करते आए हैं, लेकिन अब इस वक्त उन्होंने क्योंकि इंडिया के साथ में अपना नाता जोड़ लिया है तो हमें उससे नाराज़गी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पाकिस्तान को एंगेज नहीं करेंगे बल्कि इंडिया को एंगेज करेंगे, और पाकिस्तान को वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और वो हमने जो बताया कल बताई थी कि वो MBS को इस्तेमाल कर रहे हैं सऊदी अरब के, कि पाकिस्तान को जो है वो छोटे मोटे चुग्गे देकर उसको मनाए, जैसा कि एम्बेसडर शाहिद अमीन ने कल बात कही थी कि इतने बड़े काम के लिए हमें उनको उससे उनको कम से कम 20 से 30 बिलियन डॉलर देने चाहिए थे, जो ज़िम्मेदारी हमने ली है, लेकिन वो हमने ज़िम्मेदारी ली है वो अब शाहिद अमीन साहब नहीं समझे कि वो हमने जो हरमैन शरीफैन के लिए है जो हमारी ज़िम्मेदारी है एज ए मुसलमान, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम सऊदी अरब की ज़िम्मेदारी लेंगे तो 20-30 बिलियन डॉलर भी कम है, हमें 50-60 बिलियन डॉलर चाहिए, बल्कि हमारा पूरा कर्ज़ा वो दे तो हम उसकी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, और फिर ईरान को भी हम राम कर लेंगे और यमन को भी हम समझा देंगे और वो नहीं लड़ेंगे फिर हमसे। जी जैन साहब जी, अच्छा वो जो अभी आप अमेरिका के हथियारों की बात कर रहे थे ना, एक तरफ तो ये हथियारों को तलफ करने की पॉलिसी पे गामजन है, वो पॉलिसी ख़त्म कर दी ना, दिखावा कुछ है नहीं, वो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी, एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जो पॉलिसी थी उससे वो निकल गया था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रिजीम से निकल गया था, उस पर रूस ने एहतजाज भी किया था, एनवायरमेंट से वो निकल गया था उस पर भी रूस ने एहतजाज किया था, अभी एनवायरमेंट में शामिल हो गए जो बाइडन ने तो अभी बुलवाया इजलास। हाँ तो अब दुनिया, मैंने आपको याद होगा एक प्रोग्राम हमने किया था तो हमने सवाल किया, दुनिया सवाल करेगी कि उस वक्त आप कहाँ थे जिस वक्त एनवायरमेंट का काम है चीन काम कर रहा था जी, उस वक्त आप कहाँ थे जब दुनिया कोविड में फंसी हुई थी, चीन तो काम कर रहा था आप तो अपना मुकाम देख रहे थे जी। तो ये दो बड़े सवालात हैं जो कि अमेरिका के सामने पड़े हुए हैं, और ये अपनी लड़ाई की बातें कर रहा है सोच रहा है, अभी इनका ख्याल ये है कि अभी तक ये बहुत ताकतवर हैं, जो कि ये ताकतवर नहीं है, और इनको ताकत को चैलेंज हो गया, इनको चाहिए कि अब चुपचाप होकर अपने खामोशी से एक मुल्क के तौर पर रहें, दुनिया में बड़े मुल्क के तौर पर रहें, एक और तस्लीम कर लें चाइना को भी रशिया को भी, तो तीन बड़ी ताकतें होंगी तो मल्टी पोलर वर्ल्ड बन जाएगी जी। आप यूनिपोलर वर्ल्ड बनना चाहते हैं, अब नहीं बन सकते आप जाने वाला। जी ठीक है, मुझे ब्रेक लेगा, जरा ब्रेक के बाद आएंगे।
तो तालिबान और अमरीका के दरमियान जो मामला है उससे बात कर उस लेंगे। बात करेंगे जी। नाज़रीन मुख्तसर वो भी ब्रेकिंग के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फिर सब अमरीकी अफवाज के इनखला का जी, दूसरा हफ्ता अमेरिका की अफगानिस्तान से इनखला का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है और अमेरिका ने जो हमने कल बयान किया था आपसे कि ये तालिबान रिंग ऑफ प्रोटेक्शन का जो उन्होंने वादा किया था वो वादे पर अमल दरामद कर रहे हैं। अमेरिकन भी इस पर खामोश हैं और तालिबान भी इस पर खामोश हैं, लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये शुरू हुआ है कि अब जो जो तालिबान जो अमेरिका जो है वो अफगानी फ़ौज के जो फ़िज़ाइया है उसको मजबूत कर रहा है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, जिसमें उन्होंने जो जो उनके वजीर दिफा हैं लॉयड ऑस्टिन जी उन्होंने कहा है, और इसके अलावा जो उनके जो मिली हैं जो उनके चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी उन्होंने कहा है कि हम उनको जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं फ़िज़ाइया को, और हम ये भी देखेंगे कि वो यहाँ पर जो है वायलेंस ना बढ़ने पाए। लेकिन वायलेंस ये है, उन्होंने तालिबान ने ये काम किया है कि जहाँ जहाँ पर भी उनकी हुकूमत जो जहाँ जहाँ भी सूबा जात हैं उसके सूबा जात के दारुल हुकूमत के उसके इर्द गिर्द वो लोग जो हैं वो हमले कर रहे हैं, और ये भी हमने सुना कि जो अफगान तालिबान हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, जब ये लोग तालिबान आते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, चौकी खाली कर देते हैं और उनको कब्ज़ा दे रहे हैं, घबराते हैं। तो हम ये बात समझ रहे हैं कि एक दूसरी बात यह है कि वो अशरफ गनी के साथ पावर शेयरिंग को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बात को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है, अशरफ गनी माने ना माने, लेकिन दूसरी तरफ जो है जो वहाँ के जो वॉर लॉर्ड्स हैं जो वहाँ के अफगानिस्तान के लीड्स हैं जिसमें जो हामिद करज़ई भी शामिल है, वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान और इनके अफगान हुकूमत के दरमियान में कोई मादा हो जाए, जो तालिबान किसी सूरत में भी तैयार नहीं। जी तीसरी खबर ये है कि जो ये कोशिश कर रहे हैं अमरीकन ख़ुद भी कि किसी तरह से ये जो 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 ईरानी इलाका है ईरान के और तालिबान के ताल्लुक को ख़राब कराएँ, जो शिया बेल्ट है वहाँ पर उस शिया बेल्ट के अंदर इनकी लड़ाई करा दें, उसके साथ में तालिबान के साथ में जो करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें ईरान से काफ़ी बड़ी मदद मिल रही है, तो ये उसमें फेल होंगे, लेकिन कोशिश ये ज़रूर कर रहे हैं। तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि अमेरिकी फोर्सेज जो हैं वो जनूबी अफगानिस्तान में और हिलमंद पर हमले कर रही है, जिस पर तालिबान ने कहा नहीं हमारे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नहीं कर रहे। जी जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको, और आपने अगर मेरा बयानिया सुना हो तो वो एक तो मैंने ये बात कल ये ब्रेक की थी जो कि रॉयटर की खबर है, मेरी नहीं है, और इसकी तस्दीक तीन अमरीकी जो बड़े बड़े बासर लोग हैं और हुकूमत के कारिंदे हैं उन्होंने तस्दीक की रॉयटर को कि तालिबान ने अमरीका के साथ में तालिबान रिंग ऑफ प्रोटेक्शन एग्रीमेंट किया है कि वो न सिर्फ उनको जाने में मदद देंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे, और बल्कि अगर कोई और हमला भी करेगा तब भी हम प्रोटेक्शन करेंगे, ता बशर्ते कि वो हमें अफगानिस्तान के अंदर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे और फिर हमें जो असला कुछ देंगे जो बचा हुआ है और फिर कोई माली हमें हुकूमत चलाने के लिए माली इमदाद भी देंगे। तो ये हमारा जायज़ा है, लेकिन ये पहला वाली बात तो सही है कि वो अफगानिस्तान में उन्हें खुले छुट्टी दे देंगे, अगर वो अफगानिस्तान पे हमला करते हैं अफगानी हुकूमत पे हमला करते हैं तो उसमें अमेरिका मदाखलत नहीं करेगा, सो वो ऐसा कर रहा है जी। और जो वहाँ का जो वो फतेहुल्ला जो बरार है उसने ये कहा, जो कि उनका स्पोक्स पर्सन है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने इसकी तस्दीक की है कि अमेरिका ने हमें लेट डाउन किया है और अपनी दिफा का मुआहदा कर लिया है। जी आप फरमाइए। आप जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तालिबान जो है उनके साथ उनकी बातचीत जारी है कतर में और कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सिर्फ तालिबान नहीं कि वो शैतानी करेंगे या कुछ करेंगे, इन सारे ग्रुपों में जो सबसे डिसिप्लिन ग्रुप है वो तालिबान है। अभी आपने सुना होगा कि इसके अंदर काबुल के अंदर एक धमाका हुआ है और ये कह रहे हैं कि ये वो आईएसएस खुरासान जो कि एक ग्रुप है और इन ग्रुप का ताल्लुक जो है वो या इनकी मदद के लिए
ये नजर लाए, तो मैं समझता हूँ कि काफी सारे ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो सबसे डिसिप्लिन है, जो अपने टारगेट के मुताबिक अपने एम्बिशन के मुताबिक जो है वो करेंगे, वो तालिबान है। तो और वो उनके साथ बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से वो अच्छी बात को सुनते हैं और जमानत देते हैं, लेकिन ये है कि जो गड़बड़ अफगानिस्तान में शुरू होने वाली है, जिसमें आम लोगों को जितना नुकसान है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और मेरे ख्याल में जब जो कल जो काबुल के अंदर धमाका हुआ है उसमें 40 लोग और ज्यादा स्कूल की बच्चियां हैं जो शहीद हुई हैं, तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीजें अफगानिस्तान में ये स्पॉइलर हैं, दाइश के लोग हैं, अमेरिकन करा रहे हैं खुद ताकि इनकी लड़ाई हो आपस में। जी, अमेरिकन जो है वो हम जो पहले दिन से कहते रहे हैं, पाकिस्तान का यही मौका था कि आप जरूर विड्रॉ करें पर विड्रॉल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के साथ, यानी उसके लिए जो आप यहाँ निजाम छोड़ रहे हैं क्या वो होल्ड कर सकेगा, वो अमन रख सकेगा। मेरे ख्याल में पहले बाइडन साहब ने वादा किया कि ऐसा ही होगा और तब उन्होंने तारीख जो है वो चेंज कर दी, लेकिन सब्सिक्वेंटली उन्होंने सोचा कि ये जो 4-5 महीने में है क्या इसके अंदर हम वहाँ अमन ला सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो बस ठीक है हम यहाँ से जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक गैर जिम्मेवाराना किस्म का फैसला था जो उन्होंने किया है, और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है, इससे जो फॉलोआउट है वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, इसलिए पाकिस्तान को बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा और सूरत हाल वहाँ पर एक तो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स आएगा उसका माजरीन का, अगर हमारी बाढ़ मुकम्मल हो गई है तो शायद कम आ सकते हैं, और हमारे ऊपर जो पहले से बोझ है वो बोझ जो है बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल में अमेरिका कोशिश कर रहा था, जो हमने रिजिस्ट किया। अच्छा है, ये बताइए कि ये जो बम्बार तैयार है, B-52 बम्बार तैयार आ गए हैं, फाइटर जेट आ गए हैं कद्दार में, ये क्यों फिर लाया, जब ये माहदा भी हो गया फिर भी क्यों ला रहा है अमेरिका? दरअसल अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि जो यहाँ से तो मजबूरी से निकला है, लेकिन वो समझता है कि एयर से जिसके अंदर ये बम्बार शामिल है, दूसरी जहाज शामिल है, वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो असल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये आर्मफुट सोल्जर्स का काम है, ये जहाजों से तो नहीं होता। आप ऊपर से अगर इस तरह की बमबारी करेंगे तो और नुकसान करेंगे। मेरे ख्याल में आप ये बताइए कि कद्दार में कहीं ऐसा तो नहीं कि बम एटम बम रखा उन्होंने? नहीं, मेरे ख्याल में ये बमों से और एटम बम से मसला हल होने वाला नहीं। अगर हल नहीं कर सकते मसला तो बस चले जाए मेहरबानी करके, और देखते हैं कि क्या अफगानिस्तान में ये मेहरबानी नहीं करते, ये तो बहुत दज्जाल किस्म के लोग हैं। अच्छा जी, एक और बात हम आपसे करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के 2 अफराद से 7 किलो नेचुरल यूरिन बरामद हुआ है, भारत में यूरिन पर रियासी अदम कंट्रोल है, दुनिया के लिए कितना खतरनाक है आपके लिए, आप ख्याल में बताइए? मेरे ख्याल में इंडिया जो है जो मौजूदा क्यादत की वजह से दुनिया के लिए के अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो अभी आपने देखा है कि इतना यूरेनियम, और वो कहते हैं कि जी यूरेनियम को फिर चेंज करते हैं, ये तो बम मटेरियल नहीं है, आज भी कहते हैं इसी से तो बम मटेरियल बनाया जाता है। मेरे ख्याल में टोटली गैर जिम्मेवारी है कई एंगल्स से, और जो मौजूदा क्यादत है हिंदुस्तान की, ये एक टेररिस्ट क्यादत है, और दुनिया को सीरियसली इनके इकदाम लेने चाहिए, और कुछ और भी उनके ऊपर जो है वॉच रखना चाहिए कि वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर साहब, आपका हम मशहूर हैं। जी अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोरोना पे बात कर लेंगे। जी करें, नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं मिर्ज़ा साहब, मार्केट की बंदिश से भाई हमारी बहुत बड़ी ख़राब बात है और आज हमने देखा कर्फ्यू का आलम था और ये बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लोग खरीदारी नहीं कर सके हैं। सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस ये हमारे दोस्त हैं इजाज़ मेहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं अब क्या, आज तो मेरे ऐसा मालूम था कर्फ्यू का आलम था। बेबसी सिंध गवर्नमेंट की, बेबसी सिंध गवर्नमेंट की, बेहिसी कहना, बेबसी नहीं, बेबसी तो आपकी है, बेहिसी कहें। देखो मेरी बात, 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट का पास फुल इख्तियार आते हैं कि जो मर्जी करे, काला धंधा करे, पीला करे, जो भी करे। कल मेरी कराची कमिश्नर से रात को 6 बजे मेरी शाम को बात हुई, मैंने इनको समझाया, मैंने खुदा के वास्ते मार्केट खोल दो, जो जो डबल डबल दिहाड़ी पे जो मौजूद है, जो जूते वाली दुकान में, गारमेंट वाली दुकान में बेचारे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, मेरे को बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों को तनख्वाही नहीं देंगे, लोगों को ईदी नहीं देंगे, लोगों को बोनस नहीं दे पाए, गरीब आदमी मर गया है, मास्टर मर गया है। कमिश्नर ने क्या कहा आपको जवाब में? इतनी मतलब इन्होंने हरकतें करी है वाली बात, तो किसी से एक दफा भी किसी से मीटिंग नहीं करी, एक दफा भी ना कराची कमिश्नर ने करी है, ना नासिर शाह ने करी है, ना सईद चनी ने करी, ना वजीर आला ने मीटिंग करी है। कम से कम बैठ के बात तो करे। तो यार मैंने आपसे कहा था कि कोई मामला तय करो आपस में मिलकर बैठ के, आपने किया ही नहीं। एक आदमी बैठ को बात करने को क्या, कम से कम बैठ के बात तो करे, क्यों नहीं बैठते, क्यों मुंह छुपाते हैं? इकराम लारी जी को सामने हमारी मीटिंग करा दी, क्या चार आदमी मीटिंग करने से क्या फर्क पड़ेगा कोई भी? अच्छा, कम से कम बैठ के बात तो कर, आपकी आवाज तो कम से कम पहुंचे, इनके कान में आवाज ही नहीं आती, सुनते ही नहीं है। अभी हम मुतालबा करते हैं आप चीफ ऑफ आदिल साहब से कि वो इंटरफेयर करे, वजीर आजम भी कहते हैं इंटरफेयर करे, आप दो दिन खोले दे। बाजवा चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं तो अपील करता हूँ, दो दिन में बाजार हमारा खुलवा देंगे कम से कम। कल से खुलवा दे आप, कल से और पीर और मंगल, पीर और मंगल, ये मंगल जुमरात तक खुलवाए। पूरी करोड़ों को बांध के रख लिया, डिब्बे में बंद कर दिया, ये सब को मसला हो सकता कोई भी है, इनको बाजार खोलवाने के पीर मंगल बुध जुमरात तीन दिन खोला जाए। कमिश्नर ने ऐसी बात मुझसे कर दी, मैं बोलते भी शर्म आ रहा, टीवी में क्या बोलते, बाहर में गई पब्लिक, बाहर में पब्लिक है, कराची कमिश्नर मेरे को बोलता है, ये बोलता है जमील शेख, कभी ऐसी बात करी आप, अंदाजा सोच ले क्या बात करने को तरीका है, कोई ऐसी बात करने का तरीका है कोई, ये बोलने की वाली बात ही है, इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इनको सोचना चाहिए बैठ के खड़ा। अब आपका मुतालबा ये है कि आपका जो है चांद रात तक आपकी दुकानें खोली जाए, खोल जाए बिल्कुल, मेरे 3 दिन को खोलने की इजाजत दी जाए, बिल्कुल ठीक है जी, 24 घंटे खोलते हैं, हम आपकी हिमायत का 24 घंटे खोलने की हिमायत करते हैं जी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम आपकी इमाद करते हैं, मुकम्मल इमाद करते हैं, इलियास मेहमद साहब हम आपके साथ हैं पूरे। एसी रूम में बैठ के फैसले करना बहुत आसान होता है, फैसले कराची को तब आप बात कर रहे हैं जी। अच्छा मेरे साहब आखिरी एक खबर, वो चीन का रॉकेट का जो मलबा, चीन का जो रॉकेट है, 21 टन जो है वो बहरहिंद में गिर कर तबाह हो गया है और वो किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। यह 98 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था। इस रॉकेट के जरिए अप्रैल के अख्ताम पर चीन ने खलाई स्टेशन को मदार पर ले जाने की तैयारी की गई थी, लेकिन ये ख़राब हो गया, बेकाबू होकर ज़मीन के मदार पर घूमता रहा और फिर बाद में आकर किसी अमेरिका ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, वैसे बहुत प्रोपेगेंडा ने खराब किया कि भाई यहाँ से गुजर रहा है, मिडिल ईस्ट से गुजर रहा है। एक खबर रह गई है, उस पर बात कर लें, अली जहरी तारीफ कर रहे थे सिंध गवर्नमेंट की कोरोना पॉलिसी पर जी कर रहे थे, लेकिन अब सिविल अस्पताल में अकरबा पब्लिक चल रही, सिफारिश तैनाती हो रही है, सेक्रेटरी सेहत की शिदार पर खास नवाजिश है उसको बना दिया, सब चीज़ का इंचार्ज बना दिया, वो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फंडिंग हो रही है। ये मामला वैसे अदालत में चला गया है, लेकिन चला गया तो फिर अदालत देखेगी। वैक्सीनेशन सेंटर जो मेरे साहब ये जो ओपन किया गया है एक्सपो सेंटर वाला, ये एक अच्छी बात है कि दोबारा से इसको फॉल किया गया, कुछ दिन के लिए क्या मुफ्त मुफ्त में लगाएंगे? हाँ गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में लगाएगी, चलो ठीक है, लेकिन कुछ पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ये जो अकरबा परवरी है सिंध गवर्नमेंट इससे बात नहीं आएगी, वो नहीं बात आएगी, वो तो आप छोड़ दीजिए, वो इनका खासा है जी, कभी भी अकरबा पर ही छोड़ेंगे ये लोग, अल्लाह रहम करे। ताजिरों का मुतालबा भी जायज है कि 2 या 3 मुतालबा मेरा ख्याल में 24 घंटे खोलो 3 दिन के लिए भाई जी, बिल्कुल 24 घंटे ना भी हो तो कम से कम 12 घंटे खोला जाए भाई, 24 घंटे में तुम्हें क्या अतरा था यार, इतना रश हो जाता है, 5-5 हज़ार एक बाल में एक औरतें बैठी होती हैं, कैसी बात करते, छोटी छोटी चूड़ियाँ लेनी होती है जरा से बच्चों को, आप क्या करें, जरूरी खरीदारी के लिए जाहिर है मुश्किल तो है लोगों को। चलिए मेरे साहब वक्त ख़त्म हमारे प्रोग्राम का, नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।